हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। सो दिस वीडियो रिगार्डिंग द बीमन स्टडी पेपर टू ऑफ यूजीसी नेट। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द जून 2019 क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ओके, एंड इन द अपकमिंग वीडियो वी विल कवर ऑल क्वेश्चन, ऑल 100 क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर जून 2019। ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट। बिफोर बिगिन, दिस इज ऑल अबाउट मी गाइज। यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल UGC NET Women Studies, इसको आप सर्च करेंगे तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसको प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप तक सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। और यू कैन जस्ट गो इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है देन यू जस्ट टेक्स्ट ऑन दिस नंबर, I will share the link just to join this Telegram channel. So this is the first question of this paper, June 2019 of Women Study. Sex is not the complex interplay of. आपको बताना है कि sex निम्नलिखित में से किसकी जटिल अनुयुक्त क्रिया नहीं है, like which include in the sex that the genes, hormones, physiology, physio मतलब शारीरिक रूप से related है, एंड नेक्स्ट दैट इज सोशल स्टेटस। सो ऑफकोर्स दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सामाजिक स्थिति जो है वो निर्धारित नहीं करती है सेक्स को। ओके, इंटरप्ले, इंटरप्ले मीन्स यू कैन से लाइक द इंट्रोडक्शन और परस्पर क्रिया, सो दैट इज नॉट रिलेटेड टू द सोशल स्टेटस। फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन विच ईयर डिड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC इंट्रोड्यूस वुमेन स्टडी एज द डिसिप्लिन इन द हायर एजुकेशन फॉर द मास्टर्स। और उसके आगे इस सब्जेक्ट वुमेन स्टडी को UGC के द्वारा कब जो है जो स्टार्ट किया गया था, 1990, 1975, 1986 एंड 1974, विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो गाइज प्लीज, इसमें हम लोग नियर अबाउट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, सो आपको बताना है कि आपके कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं आउट ऑफ 50 इन द कमेंट बॉक्स। ओके, जिससे मुझे भी आइडिया लगे कि आपकी तैयारी कैसी है और किस प्रकार के क्वेश्चन और थ्योरी पार्ट हमको डिस्कस करना है। और प्लीज़ आल्सो आप कमेंट बॉक्स में कुछ रेकमेंड कर सकते हैं, है ना, या पर कुछ टॉपिक आपको पढ़ना है या कुछ सजेशंस हैं, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी इन दी कमेंट बॉक्स। ओके, एंड आल्सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो द राइट आंसर ऑफ दिस दैट UGC हैज स्टार्टेड दिस वुमेन स्टडी एज द डिसिप्लिन इन द हायर एजुकेशन इन 1986। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा महिला अध्ययन को उच्च शिक्षा में एक विषय के रूप में प्रारंभ किया गया था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द आउटस्पोकन ब्राह्मण वीमन रिफॉर्मर हु क्वेश्चन हिंदू सोसाइटी ऑन द मैटर रिलेटेड टू दी वीमन राइट्स। आपको बताना है कि कौन सी मुखर ब्राह्मण महिला थी जो समाज सुधारक रही हैं, जिसने महिलाओं के अधिकारों के संबंध में हिंदू सोसाइटी के समक्ष सवाल उठाए, उनको क्वेश्चन किया हिंदू सोसाइटी को लेकर के। कौन महिला सुधारक थी, इनका नाम था सावित्रीबाई फुले, रामाबाई, आनंदीबेन जोशी एंड इरावती कारवे। बताइए कौन सी सुधारक महिला थी जिन्होंने सवाल उठाए, समकक्ष रखे हिंदू सोसाइटी के, दैट इज पंडिता रामाबाई सरस्वती। पूरा इनका नाम है पंडिता रामाबाई सरस्वती। बी सेकंड बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सेकंड गाइस। व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द राइट लाइवलीहुड अवार्ड 1987। आपको बताना किस मूवमेंट को यह पुरस्कार दिया गया था, इसे हम राइट लाइवलीहुड अवार्ड बोला जाता है, दैट इज इन 1987। चिपको मूवमेंट, एंटी अरक मूवमेंट एंड दी नर्मदा बचाओ आंदोलन, एंटी करप्शन मूवमेंट। सो दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट। राइट आंसर इज फर्स्ट, चिपको मूवमेंट को ये पुरस्कार प्रोवाइड किया गया था। अच्छा गाइज, वन क्वेश्चन कि इस ये जो वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सभी, तो आपको बताना है कि ये हिंदी में रहे टोटल या फिर इंग्लिश में, या फिर ऐसे मैं बोल रहा हूँ बाईलिंगुअल मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश,
ओके सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स इन विच द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज फॉर्मल वीमेंस स्टडी प्रोग्राम्स बार लॉन्च फर्स्ट, बताना है कि सबसे पहले किस संस्थान में है महिला स्टडी के प्रोग्राम को चलाया गया था फॉर्मली पाठ्यक्रम में सबसे पहले शुरू किया गया, दैट इज द सैन डिएगो यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, एसएनडीट यूनिवर्सिटी मुंबई एंड कैंट यूनिवर्सिटी यूके। सो विच आंसर इज करेक्ट। सो अगर बात करें सबसे पहले ये स्टार्ट किया गया था सैन डिएगो यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, ओके उसके बाद फिर इसको स्टार्ट किया गया था कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में, इन दोनों को याद कर लेना, ओके द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, सबसे पहले कैलिफोर्निया उसके बाद न्यूयॉर्क में। द टर्म हेजमोनिक मैस्कुलिनिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय, किसके द्वारा इसको पॉपुलराइज किया गया है, पुरुषत्व प्राधान्य। देखिए हेजमोनिक मतलब होता है डोमिनेंस, मैस्कुलिनिटी मीन्स दैट इज का फ्रॉम द मैन, द डोमिनेंस ऑन द अदर, अदर किसके ऑन द वीमन, किसके द्वारा इसको पॉपुलराइज किया गया प्रचलित किया गया। विच आंसर इज करेक्ट आपको बताना है। दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट आंसर दैट इज द रोविन कॉलन के द्वारा इस टर्म को जो है पॉपुलराइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, आपको बताना है इनमें से कौन सा जैविक निर्धारण बाद का अवधारणा से संबंधित नहीं है, मतलब बायोलॉजिकल को लेकर के बोल सकते हैं इसको जैविक लेकर नहीं है कौन सा कंसेप्ट। एनाटॉमी इज डेस्टिनी, एनाटॉमी का मतलब होता है कि शारीरिक संरचना जो होती है बायोलॉजिकल फीचर है ना ये, तो आपको सिंपल बताना है इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल फीचर नहीं है जो कि निर्धारित करता है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को। तो बेसिकली ये कंसेप्ट रिगार्डिंग द वीमन ही है, तो आपको बताना है कौन सा जो करेक्ट हो जाएगा, नहीं करेक्ट है एनाटॉमी इज द डेस्टिनी, तो ये करेक्ट है नियति है, तो शरीर की जो संरचना होती है रचना बनती है ये नियति है करेक्ट है। वीमन शैल टेक डिसीजंस पर्टेनिंग टू देयर बॉडली फंक्शंस, महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो अपने शारीरिक कार्यों के संबंधित निर्णय खुद ले सके। एंड बिकॉज ऑफ वॉम प्रेगनेंसी एंड द चाइल्ड बर्थ आर इनवेटेबल फंक्शंस ऑफ द फीमेल बॉडी, तो ये भी सही दिया गया है कि गर्भाशय के कारण गर्भाधारण और बच्चों को जन्म देना महिला शरीर के लिए अपरिहार्य कार्य है, मतलब करना ही होता है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी एंड वॉम, सो ये भी करेक्ट। टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रंस इन दी बीम इज द बीमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की देखभाल करना महिलाओं की जिम्मेदारी है, तो ऐसा नहीं है जब बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद तो फिर महिला पुरुष कोई भी टेक केयर कर सकता है। सो दिस इज नॉट और स्पेशली इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल फीचर, ओके आफ्टर द बर्थ द मैन एंड द वीमन कैन टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, सो फोर्थ विल बी राइट आंसर बिकॉज यहाँ पूछा गया विच इज नॉट। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वीमन इन इंडिया, आपको बताना है कि जो भारतीय महिलाओं की स्थिति को बताने के लिए जो समिति गठित की गई थी तो उसका क्या उद्देश्य नहीं है। टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, जो कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति को बताता है, उन सभी संवैधानिक प्रोविजंस के इम्पैक्ट को असेस करना, तो ये तो ऑफकोर्स होगा ही, यहाँ पर दिया गया सोशल स्टेटस। टू डिटरमाइन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो प्रोग्रेस ऑफ वीमन एजुकेशन, महिलाओं की जो शिक्षा की धीमी प्रगति है बन सके है ना, उसके कारकों का पता लगाना वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से महिलाओं की शिक्षा जो है प्रोग्रेस नहीं हुई है स्लो है, ये भी सही हो जाएगा, ये भी स्टेटस की बात कर रहा है। एंड टू सर्वे द प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन वर्किंग वन, जो भी कामकाजी महिलाएं होती हैं काम करती हैं कहीं पर, तो उनका उनकी समस्याओं का सर्वेक्षण करना। एंड टू एनालाइज द रीजन फॉर इंक्रीजिंग रेट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और महिलाओं के प्रति जो घरेलू हिंसा होती है तो उनकी बढ़ती दर के कारण का विश्लेषण करना, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अब इन दोनों में देख लीजिए कौन सा करेक्ट होगा, टू सर्वे द प्रॉब्लम ऑफ द वीमन वर्किंग वीमन एंड तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके तीसरा जो कि महिलाओं की सामाजिक जो स्थिति है उसको रिगार्डिंग जो कमेटी बनाई गई थी उसका ये उद्देश्य नहीं था,
और बाकी महिलाओं की जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसको उसके उसके क्या कारण है उसका विश्लेषण करना। सो थ्री विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म ब्राह्मणवादी जिसे बोलते हैं ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक शब्द का उपयोग पहली बार किसने किया था? हु वाज फर्स्ट यूज दिस टर्म दैट इज द ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की? शर्मिला रेज, उमा चक्रवर्ती एंड सिल्विया वाल्वी एंड द मेरी माइंस। सो विच आंसर इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और बाद में आपको बताना है कि टोटल आपके कितने करेक्ट हुए गाइस, ओके, आउट ऑफ 15 क्वेश्चन, ओके। सो बी विल बी राइट आंसर, उमा चक्रवर्ती, ओके। देखिए यहाँ लिखा है ब्राह्मणिकल पैटर्की, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण कास्ट को लेकर के, ये बेसिकली इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो उन्होंने कंसेप्ट लाया था ये इस प्रकार से लाया था कि जो ब्राह्मण टेक्स्ट थे, ओके, जिन्हें ब्राह्मण के टेक्स्ट बोलते हैं, वहां से इन्होंने उसको एग्जामिन किया और उसके आधार पर ये थ्योरी बनाई, इसलिए इसको बोला जाता है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। इट्स नॉट अबाउट द ब्राह्मण समुदाय या ब्राह्मण की जात को लेकर के, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। क्या उनकी सामाजिक स्थिति है, प्रैक्टिसेस हैं, उसको देखा, समझा, अंडरस्टैंड किया, इसी वजह से ये इसका जो बेसिस है दैट इज द कास्ट। तो इसको उमा चक्रवर्ती के द्वारा इसको जो है फर्स्ट यूज किया गया। व्हाट रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग मेल और द मैस्कुलाइन पॉइंट ऑफ व्यू टू द स्टडी कल्चर सोसाइटी एंड हिस्ट्री। आपको बताना है कि संस्कृति, समाज, इतिहास आदि के अध्ययन के लिए पुरुषवादी या पुरुष तत्वादवादी दृष्टिकोण अपनाने का व्यवहार क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एंडोसेंट्रिज्म। सेंट्रिज्म, इसका मतलब क्या होता है? ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है मैन में, मैन या वन सेकेंड या मेल बोल सकते हैं, जहां पर जितने भी बोल सकते हैं कि जहां पर मोस्ट ऑफली मैस्कुलाइन पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है, कि जैसे कोई स्टडी करना है तो उसमें पुरुषों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, है ना, कल्चर में, हिस्ट्री में, वर्ल्ड व्यू में, इन सभी में पुरुष वर्ग का जो पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा फोकस किया जाता है उसे बोलते हैं हम एंड्रोसेंट्रिज्म। सेंट्रिज्म मतलब क्या होता है? फोकस ऑन द एंड्रो मींस मेल, मेल के पॉइंट ऑफ व्यू को रखा जाए, इसे बोलते हैं फर्स्ट, ओके, पुरुष केंद्रित। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोकस ऑन द हाउ मॉडर्न सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द वीमेन, महिलाओं के अगेंस्ट में किस प्रकार से के प्रति जो भेदभाव किया जाता है आधुनिक भारत में, आधुनिक समाज में, तो इनमें से कौन सा जो है उसका ध्यान केंद्रित करता है? रोमांटिज्म, ये तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, कल्पना थोड़ी है, तो सच, ये यहाँ कल्पनावाद लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये सच्चाई है, इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ द रोमांटिज्म। नेक्स्ट है फेमिनिज्म, डार्विनिज्म एंड ह्यूमनिज्म। तो ये देखिए यहाँ पर जब हम बात करेंगे आधुनिक समाज में, मॉडर्न सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वीमन, तो दैट इज द फोकस ऑफ दिस, दैट इज द फेमिनिज्म। नारीवाद का फोकस रहता है कि किस प्रकार से आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी है, क्या भेदभाव हो रहा है, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना। सेकंड विल बी राइट आंसर। व्हिच वाज द पाथ ब्रेकिंग रिपोर्ट ऑन द जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया? आपको बताना है भारत में लैंगिक असमानता संबंधी जो रिपोर्ट किसके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई, या कौन सी रिपोर्ट थी वो? श्रम शक्ति, राष्ट्रीय सदर्शनी योजना, नेशनल परस्पेक्टिव प्लान बोलते हैं, टुवार्ड्स इक्वालिटी और द बीजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर द एक्शन। सो विच आंसर विल बी करेक्ट, इसमें आंसर थ्री हो जाएगा, टुवार्ड्स इक्वालिटी। और अगर हम बात करें ओवरऑल इन द वर्ल्ड, दैट विल बी बीजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन, ओके। इसको 1995 में जो है चौथी जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन द वीमेन ये आयोजित की गई थी यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तब उसमें ये जो है बीजिंग प्लेटफॉर्म एक्शन इसको लिया गया था, ताकि महिलाओं और पुरुषों को इक्वालिटी मिल पाए, उस प्रिंसिपल पर काम करते थे। सो इंडिया में टुवार्ड्स इक्वालिटी ऑन इंटरनेशनली, दैट इज द बीजिंग प्लेटफॉर्म विद इन दिस फैमिली ही द एंड ऑल्सो वन क्वेश्चन, वन थिंग ऑल्सो आई वॉन्ट टू एड, कि अगर इसमें आपको लगे कोई क्वेश्चन मैंने गलत बताया उसका आंसर, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर बाकी में कोई गलत होगा तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, ओके, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन, मिस्टेक हो सकती है। विद इन द फैमिली ही इज बॉर्जवाज एंड द वाइफ प्रेजेंटेड द प्रोलेटेरियट्स, हु सेड दिस? किसके द्वारा बोला गया कि जो महिलाएं हैं वो तो एज ए प्रोलेटेरियट होती हैं और जो पुरुष होते हैं
डाली थी बोर्जुआ क्लास। तो ये बोर्जुआ मतलब क्या होता है, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा एक थ्योरी दी गई थी, है ना, कि उन्होंने बताया कि सोसाइटी दो भाग में डिवाइड होती है, एक जो प्रोलेटेरिएट होते हैं जिनको हम वर्किंग क्लास बोलते हैं जो काम करते हैं, दूसरे होते हैं बोर्जुआ क्लास जो कि एलिट क्लास होती है, जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, जिनके पास प्रोडक्ट करने के लिए साधन है, जैसे कि मनी है, रिसोर्सेस है, मैन पावर है, टेक्नोलॉजी है, इसे बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्शन करना है, तो ये एलिट क्लास कहलाती है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ फैमिली में जो पुरुष है वो एलिट क्लास माना जा रहा है और महिलाएं एज ए बोर्जुआ क्लास, वर्किंग क्लास, मतलब महिलाएं काम करती हैं। तो ये किसके द्वारा बोला गया था कि घर के अंदर ही जो जो पर्सन है वो बोर्जुआ, और महिला जो है अपने ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है प्रोलेटेरियट के रूप में। सो दैट इज गिवन बाय द फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा, थ्री विल बी राइट आंसर। व्हाई आर वीमेन ट्रीटेड एज अ सेकंड सिटीजन, महिलाओं को द्वितीय नागरिक क्यों माना जाता है, क्योंकि वो निर्भर हैं, या दे आर फिजिकली वीक, या शारीरिक रूप से कमजोर हैं, या दे आर अनएबल टू टेक डिसीजन, वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, या पैट्रियार्की सोसाइटी प्रिवेल, क्योंकि हमारा समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज के कारण। तो यही सही बात है कि महिलाएं द्वितीय इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि हमारा समाज ऐसा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, अदरवाइज दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर फिजिकली स्ट्रांग एंड दे आल्सो टेक कैन टेक द एक्शन। ओके, सो फोर्थ विल बी राइट आंसर। बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, आपने हिस्ट्री में देखा होगा इंदिरा गांधी के द्वारा बड़े बड़े डिसीजन लिए गए थे जो कि अभी तक किसी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं लिए गए ऐसे। ओके, सो फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, थ्योरी ऑफ मैटर्नरी वाज यूज्ड एज द एक्सप्लेनेशन फॉर द वीमेन पोस्ट, किसके द्वारा ये जो है यूज किया गया था, उपयोग किया गया महिला की स्थिति को व्याख्या करने के लिए कि महिलाओं की स्थिति कैसी है, एक मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के आधार पर। सीमन डे बोयार एंड शर्मिला रेस, मैरी वोलस्टोन क्राफ्ट एंड दी जूलियट मिशेल। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ओके, एंड ऑल्सो आपको बताना है कि आउट ऑफ 14 कितने आपके करेक्ट हैं। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस लेक्चर। एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 to 30। So in the same way, we will cover all 3 to 4 years last year previous question, because these question is very important, all the PYQ very important, because so many question came from the PYQs, same repeated question, especially for the Beeman study. Okay, so we have to discuss all these paper before the exam. Okay, so okay guys, so thank you so much and thank you for joining this session. Thank you very much.